हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक और इंटरेस्टिंग वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए मैं ले आई हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एन इवनिंग इन अ पार्क। ओके, जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो से जुड़ रहे हैं उनको मैं बता देना चाहती हूँ कि छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ, एसे और पैसेज जो है मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड्स सीखते हैं, अपनी विकेबलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही मैं कोशिश करती हूँ जितना ज़्यादा हो सके ईजी तरीके से मैं आपको जो भी ग्रामर इसके अंदर यूज हो रहा है उसको बता सकूं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। वीडियो को यस शुरू करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अगर आप लोग पॉडकास्ट भी चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, तो मैं जो भी ये जो टॉपिक्स होते हैं इनका पॉडकास्ट भी बना दूंगी और आपको लिंक शेयर कर दूंगी। अगर आप लोग चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट में। ठीक है, सो अ सिटी पार्क इज अ प्लेस वेयर पीपल ऑफ ऑल सॉर्ट कम टू इनहेल फ्रेश एयर इन द मॉर्निंग एज वेल एज इन द इवनिंग। ओके, अ सिटी पार्क, एक जो शहर का जो एक नगर का जो पार्क होता है या शहर का जो एक पार्क होता है, इज मीन्स होता है, ई मीन्स एक, प्लेस मीन्स जगह, वेयर मीन्स जहाँ। देखिए वेयर का मीनिंग वैसे क्या होता है, जब हम किसी क्वेश्चन के लिए हमारा जो क्वेश्चन वाले जो सेंटेंस होते हैं उसमें जब हम इसको यूज करते हैं तो इसका मीनिंग होता है कब, वेयर मीन्स कहाँ। ठीक है, बट जब ये सेंटेंस के बीच में आता है और इसके बाद में क्वेश्चन मार्क नहीं होता है तब इसका मीनिंग हो जाता है जहाँ। पीपल मीन्स लोग ऑफ ऑल सॉर्ट। देखिए एक चीज़ याद दीजिए, यहाँ पे सॉर्ट है, यहाँ पे शॉर्ट नहीं है। जब शॉर्ट का मीनिंग होता है छोटा, बट सॉर्ट का मीनिंग होता है प्रकार, यानी कि काइंड। हम बोलते हैं ना एवरी काइंड ऑफ टाइप पीपल्स, इस तरीके से जब हम बोलते हैं कि एनी काइंड ऑफ पर्सन, इस तरीके से जब हम बोलते हैं तो काइंड का मीनिंग भी होता है प्रकार और सॉर्ट का मीनिंग भी होता है प्रकार। शॉर्ट नहीं है ये, सॉर्ट है। कम टू यानी कि कम मीन्स होता है आना, टू इनहेल यानी कि लेने, सांस लेने, इनहेल मीन्स होता है सांस लेना, जो हम सांस लेते हैं उसको बोलते हैं हम इनहेल और सांस छोड़ने को बोलते हैं हम एक्सहेल। फ्रेश एयर यानी कि ताज़ी हवा, इन द मॉर्निंग, फ्रेश मीन्स होता है ताज़ा, ताज़ा या ताज़ी। फ्रेश एयर यानी कि ताज़ी हवा इन द मॉर्निंग, सुबह में, इन द मॉर्निंग मीन्स होता है सुबह में, एज वेल एज इन द इवनिंग। एज वेल एज का मीनिंग क्या है आप लोगों को याद होगा 100%, जो लोग पहले से मेरे वीडियोज़ को देख रहे हैं 100% आप लोगों को याद होगा कि एज वेल एज का मीनिंग आपको मैंने बहुत सारे वीडियोज़ के अंदर बताया है। इसका मीनिंग होता है भी या साथ ही साथ। ठीक है, मैं आपको, क्योंकि ये चीज़ मैंने आपको बहुत सारे वीडियोज़ के अंदर बताई है कि इसमें ये आप मत सोचिए कि एक वर्ड का एक ही मीनिंग होगा, डिपेंड करता है हमारे सेंटेंस के ऊपर कि हमारा सेंटेंस कैसा चल रहा है। ठीक है, साथ ही साथ या तथा भी हम इसको बोल सकते हैं। इन द इवनिंग यानी कि और शाम में भी, कि एक जो सिटी पार्क होता है वो ऐसी जगह है जहाँ पे हर प्रकार के लोग आते हैं ताज़ी सांस लेने के लिए, सुबह में साथ ही साथ शाम में भी। इस सेंटेंस को हम इस तरीके से पढ़ेंगे, बड़ा है बट इजी तरीके से हमने इसको पढ़ लिया। दीज आर द लंग्स ऑफ द सोसाइटी। दीज का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, दीज मतलब यह है, यह है मतलब क्या, कि पार्क है, क्योंकि हमारा जो टॉपिक चल रहा है किसके ऊपर चल रहा है, सिटी पार्क के ऊपर चल रहा है। यह जो होते हैं यानी कि दीज जो होते हैं, ये जो पार्क होते हैं, दीज आर द लंग्स ऑफ द सोसाइटी। लंग्स मीन्स होता है फेफड़े, ऑफ द सोसाइटी यानी कि समाज के। ठीक है, ये जो समाज के फेफड़े होते हैं जो सांस लेने का मतलब आपके जीवन को चलाने का काम करते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम इस सेंटेंस को समझेंगे। इजी है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है आज का जो हमारा ये टॉपिक है, क्योंकि आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि कुछ टॉपिक सिंपल भी हो बट काम के भी हो, तो मैं आप लिए, इसके लिए मैंने बहुत ही मेहनत से जो है सिंपल सा एक टॉपिक ढूंढा है जिसको इजी तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। इट इज़ अ प्लेस वेयर पीपल टेक एक्सरसाइज एंड चिल्ड्रन प्ले। इट इज़ अ प्लेस, देखिए बहुत सिंपल सा है, छोटा सा, इट इज़ अ प्लेस यानी कि यह जगह है। वेयर मीन्स मैं आपको बता चुकी हूँ पहले ही कि जहाँ, पीपल मीन्स लोग, टेक मीन्स क्या होता है, टेक मीन्स होता है लेना, बट टेक का मीनिंग फ़ायदा उठाना भी होता है, फ़ायदा उठाते हैं। एक्सरसाइज, एक्सरसाइज मीनिंग क्या होता है, व्यायाम, एंड चिल्ड्रन प्ले, चिल्ड्रन मीन्स बच्चे और प्ले मीन्स खेलते हैं। ठीक है, इट इज़ अ प्लेस, यह जगह है जहाँ पीपल टेक एक्सरसाइज यानी कि लोग जो हैं वो व्यायाम करते हैं, करना भी होता है, टेक का मीनिंग करना भी होता है। मैं आपको बहुत सारे वीडियोज़ में बता चुकी हूँ कि हर एक वर्ड के अलग अलग मीनिंग होते हैं, और कुछ तो ऐसे वर्ड्स हैं जिनके इतने मीनिंग होते हैं कि आप उनको याद करते करते थक जाओगे, बट येस जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो वो आपको ईजिली याद हो जाएंगे। ठीक है, सो वेयर पीपल टेक एक्सरसाइज एंड चिल्ड्रन प्ले, जहाँ पे लोग जो है एक्सरसाइज करते हैं या एक्सरसाइज का फायदा उठाते हैं, एंड चिल्ड्रन प्ले, और बच्चे
खेलते हैं. द इवनिंग इन अ पार्क इज ऑल द मोर प्लेजेंट. ओके, द इवनिंग, इवनिंग मतलब शाम का जो समय होता है वो, इन अ पार्क, एक पार्क में, इज ऑल द मोर, इज मीन्स है, ऑल मीन्स सभी, ऑल द प्लेजेंट, प्लेजेंट मीन्स क्या होता है, मोर मीन्स होता है ज्यादा. मैंने यहाँ पे ज्यादा का मीनिंग आपको इसलिए नहीं लिखा क्योंकि आपको पहले बहुत सारे वीडियोज में बता चुकी हूँ, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को पता ही होगा. मोर का मीनिंग होता है ज्यादा, प्लेजेंट मीन्स होता है सुहावना, यानी कि जो चीज हमें बहुत ज्यादा प्यारी अच्छी लग रही होती है. ठीक है, सुहावना. When there is a great hustle and bustle, ठीक है, the evening in the park, शाम का जो समय होता है, is all more pleasant, यानी कि बहुत ज्यादा सुहावना होता है जब there is a great, there means यहाँ, ठीक है, there means होता है वहाँ, और is a great hustle and bustle, hustle means होता है, hustle bustle means होता है उथल पुथल, या फिर जब वहाँ पे बहुत ज़्यादा हलचल हो रही होती है. हलचल कैसे हो रही होती है कि जब शाम का समय होता है तो बच्चे भी गार्डन में खेल रहे होते हैं और जो काफ़ी बड़े बूढ़े लोग होते हैं वो वॉक कर रहे हैं, बैठे हैं, बातें कर रहे हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि बॉस, हॉज पॉज भी हम बोलते हैं इस वर्ड्स के लिए, हम यहाँ पे हॉज पॉज भी शुरू कर सकते हैं, बट यस, हस्टल एंड बस्टल करेक्ट वर्ड है यहाँ पर, इसको हम करेक्टली यूज़ करेंगे. Hawkers can be seen here and there with small. Hawkers means क्या होता है? Hawkers means होता है फेरी वाले. इसका हमने एक वीडियो पहले मैंने आपके साथ में शेयर किया था, मे बी आपको याद होगा. Can be यानी कि वो होते हैं. Can be मतलब सकते हैं, वो दिखाई दे सकते हैं आपको here and there. Hawkers can be seen यानी कि वो आपको दिखाई दे सकते हैं here and there, यहाँ और वहाँ, with small. With means होता है छोटे, सॉरी, विद मीन्स होता है साथ और स्मॉल मीन्स होता है छोटे. हॉकर्स कैन बी सीन, हॉकर्स जो है फेरी वाले जो हैं वो आपको दिखाई दे सकते हैं हेयर एंड देयर, यहाँ और वहाँ, विद स्मॉल यानी कि छोटी, स्मॉल मीन्स होता है छोटी, विद मीन्स होता है साथ और स्मॉल मीन्स होता है छोटे. चिल्ड्रन परचेजिंग यानी कि छोटे चिल्ड्रंस के साथ में वो यहाँ और वहाँ दिखाई दे सकते हैं. परचेजिंग थिंग्स ऑफ देयर चॉइस, चिल्ड्रेन परचेजिंग थिंग्स ऑफ देयर चॉइस. चिल्ड्रेन मतलब बच्चे, परचेजिंग मीन्स क्या होता है, परचेजिंग मीन्स होता है कोई भी चीज़ को खरीदना, ठीक है, यानी कि किसी चीज़ को मोल लेना. मैंने आपको क्या बताया कि ईजी तरीका होता है कि हम अपनी लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट करें, जो भी चीज़ हम पढ़ रहे हैं हमारी लैंग्वेज में, यानी कि मेरे हिसाब से परचेज करना भी खरीदना होता है, बाय मीन्स भी खरीदना होता है, हम लोगों को ईजीली पता है कि बाय मीन्स भी, बी यू वाई जो होता है, बाय मीन्स खरीदना होता है और परचेज करना भी खरीदना होता है. बट अगर हम इसको ट्रांसलेट उस तरीके से करेंगे पूरा कि हम भैया बिल्कुल डिक्शनरी वाले उससे, तो उसका बोलते हैं मोल लेना, यानी कि पैसे से खरीदना. थिंग्स मतलब चीज़ें, ऑफ देयर चॉइस यानी कि उनकी पसंद की, देयर मीन्स उनकी, चॉइस मीन्स पसंद की, यहाँ पे बच्चों के बारे में बता रही है, यानी कि बच्चे अपनी पसंद की चीज़ यहाँ पे खरीदते हुए दिखाई देते हैं, यहाँ और वहाँ पर खरीदते हुए दिखाई देते हैं. इवन अ ग्रुप यानी कि एक ग्रुप भी, इवन मीन्स क्या होता है, इवन मीन्स होता है भी, ठीक है, ये बहुत सारे वीडियोज़ में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, मे बी आप लोगों को याद होगा और आप लोगों को याद होना चाहिए क्योंकि मैंने आप लोगों को बहुत डिटेल में बताने की कोशिश की है. सो भी यानी कि एक ग्रुप भी ऑफ सम पीपल यानी कि कुछ लोगों का, ठीक है, ऑफ का मीनिंग होता है ज़्यादातर क्या, क्या नहीं, सॉरी, का. ऑफ का मीनिंग होता है ज़्यादातर का, यानी कि जब हम बोले ना कि राहुल का, तो ऑफ राहुल, दिस बैग इज ऑफ राहुल, यानी कि ये जो बैग है ये राहुल का है, तो इस तरीके, और एस या ई एस भी लगता है इसके लिए, हम एस या ई एस भी लगाते हैं, बट डिपेंड करता है कि हमारा सेंटेंस किस तरीके से चल रहा है. मैंने आपको बताया ना कि इंग्लिश में जो है इतने सारे रूल्स हैं कि आप लोग अगर एक बार सोचोगे ना कि मैं बिल्कुल इस तरह को प्रॉपर तरीके से पढ़ लूँ तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाओगे. उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा ही समझना है, और धीरे धीरे आप लोगों को जब हैबिट होनी शुरू हो जाएगी तो आप यूज हो जाओगे और आप अपने आप से उस चीज को याद रख सकोगे. इवन अ ग्रुप यानी कि एक समूह भी ऑफ सम पीपल कुछ लोगों का, प्ले कार्ड्स यानी कि वो कार्ड्स खेलते हैं, एंड जोक और वो मजाक करते हैं, विद वन अनदर, वन अनदर मतलब एक दूसरे के साथ, कि एक समूह जो है वो ऐसा भी होता है, कुछ लोगों का ऐसा समूह भी होता है जो कार्ड्स भी खेलते हैं, जोक भी करते हैं एक दूसरे के साथ. स्मॉल चिल्ड्रन यानी कि छोटे बच्चे प्ले इन द पार्क, प्ले मीन्स होता है खेलना, इन द पार्क यानी कि पार्क में खेलते हैं. इट इज अ प्लेस ऑफ नेचुरल ब्यूटी टू बी इंजॉयड बाय ऑल. इट इज अ प्लेस यह है जो है एक जगह है ऑफ नेचुरल, नेचुरल मीन्स होता है प्राकृतिक, यानी कि जो प्रकृति की अपने आप से जो चीज़ होती है, ठीक है, जो चीज़ ह्यूमन बींग के द्वारा नहीं बनाई गई है, प्रकृतिक जो चीज़ें होती हैं वो. ब्यूटी मीन्स होता है सुंदरता.
टू बी इंजॉयड बाय ऑल, जो कि सभी के साथ में इंजॉय करने वाली होती है। इंजॉय मतलब क्या होता है, इंजॉय का मीनिंग होता है आनंद लेना, ठीक है, किसी चीज को जब आप बहुत ज्यादा खुश होते हैं, या कि जैसे आप किसी चीज का आनंद कैसे लेते हैं, जब आप किसी चीज से बहुत ज्यादा खुश होते हैं। और इंजॉयड का मीनिंग हम लाभ उठाना भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसका मीनिंग ये भी होता है, इट इज अ प्लेस, ये जो है जगह होती है जहां पर सभी लोग जो है आनंद उठाते हैं या लाभ उठाते हैं प्राकृतिक ब्यूटी का, प्राकृतिक सुंदरता का सभी लोग जो है लाभ उठाते हैं। तो इस सेंटेंस को जो है हम इस तरीके से पढ़ सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपका जो आज का जो टॉपिक है आप लोगों को अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैंने कोशिश करी है कि सिंपल हो, बट यस मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी जिससे इजीली आपको समझ में आ जाए। सो अब यह जो है टाइम आ गया है हमारे एक्टिविटी का। जो लोग फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि अब मैं आपको 3 वर्ड्स देती हूँ जिनसे आपको सेंटेंस बनाना है, और उस सेंटेंस को आपको कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर लिखना है। आप जो है ये सेंटेंस आप प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में, फ्यूचर टेंस में, किसी में भी बना सकते हैं। इन 3 वर्ड्स को यूज़ करके आपको बनाना है और आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। आज का जो फर्स्ट वर्ड है वो है सॉर्ट। सॉर्ट मीन्स होता है प्रकार, ठीक है, सॉर्ट, शॉर्ट नहीं है, कन्फ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट वर्ड है आज का हस्टल। हस्टल मीन्स होता है उथल, उथल पुथल भी आप इसको बोल सकते हो, हस्टल मीन्स होता है उथल। और थर्ड वर्ड है आज का इंजॉयड। ओके, थर्ड वर्ड है आज का इंजॉयड। इंजॉयड मीन्स होता है आनंद लेना, किसी चीज़ का आनंद लेना। अब देखिए जो लोग डिक्टेशन लिखना चाहते हैं वो लिख लीजिए, क्योंकि जिनको वीडियो ही सिर्फ देखना था उनका हो गया है। आप लोग अब डिक्टेशन का टाइम है, आप डिक्टेशन लिखिए। फर्स्ट वर्ड डिक्टेशन का आप लिख सकते हैं, कमेंट बॉक्स को प्लीज ओपन कीजिए फटाफट से। इनहेल फर्स्ट वर्ड है आज का डिक्टेशन का, इनहेल। सेकेंड वर्ड है आज का डिक्टेशन का, एक्सरसाइज, एक्सरसाइज। ओके, एंड थर्ड वर्ड है नेचुरल, नेचुरल। फर्स्ट वर्ड है इनहेल, एक्सरसाइज एंड नेचुरल। ओके, उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब एक और चीज़ मैं आपसे बोलना चाहती हूँ कि देखिए जितना ज़्यादा आप सुनते हैं और ध्यान से सुनते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं, उतनी जल्दी आप इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। सो यस, आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा है। साथ ही अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं पॉडकास्ट भी आपके साथ में शेयर करूँ तो आप